एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में लगभग 6.5 करोड़ लोग नशे के आदी हैं, यानी एडिक्ट्स हैं। फिर चाहे वो शराब का नशा हो या अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन जैसे ड्रग्स का। सोचिए हमारे देश की कितनी बेशकीमती जिंदगियां नशे के जाल में फंसकर बर्बाद हो रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि बर्बाद सिर्फ वो जिंदगी नहीं हो रही जो नशे के जाल में फंसती है, उसके साथ साथ बर्बाद हो रही हैं और बहुत सारी जिंदगियां। नशा करने वाले के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चे, अब अंदाजा लगाइए बर्बाद हो रही जिंदगियों के आंकड़े का। पंकी, अगर मैं बर्बादी की बात करूं, आपने कितनी जिंदगियां अपने साथ साथ और बर्बाद की हैं? मेरे साथ मेरी अपनी तो बर्बाद हुई हुई, उसके साथ मेरी फैमिली जिसमें मेरे मदर, फादर, मेरी भाभी, भाई, मेरी वाइफ जो जिसकी शायद मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद हुई थी मेरे साथ, तो काउंटलेस है। आप ऐसे और कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ के थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो शायद डायरेक्टली नहीं मेरे साथ बर्बाद हुए थे लेकिन इमोशनली वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे और वो बर्बादी भी एक बहुत मायने रखती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस नशे के कारण मेरे साथ जो थे वो बर्बाद हुए थे। ये है पंकी सूद। आज ये कुल्लू की तीर्थन वैली में एक शानदार रिजॉर्ट चलाते हैं, लोगों को ट्रैकिंग पर ले जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता और शांति के बीच अपना वक्त बिताते हैं। लेकिन एक वक्त वो था जब पंकी नशे के दलदल में फंसे हुए थे और खुद का और परिवार का बेइंतहा नुकसान कर रहे थे। कितने साल आपने नशे में बिताए? नशे में मैंने 13 से 15 साल जो है, जो हार्डकोर ड्रग्स में गया उसमें तो मैंने 8-9 साल बिताए। उससे पहले जो मेरी स्टार्टिंग थी, जो यूजिंग थी, वो एक सिगरेट से स्टार्ट हो करके फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइट ड्रग्स पे जा करके फिर फाइनली जो है हार्डकोर ड्रग्स पे आई थी। तो ज़िंदगी के 15 साल जो मेरे सबसे बेशकीमती साल थे, जब लोग अपना कैरियर सोचते थे, अपनी तरक्की सोचते थे, तो मैं उस टाइम नशे की ओर जा रहा था। फैमिली किस किस तरह से परेशान हुई, कुछ आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? फैमिली किस तरह से नहीं परेशान हुई ये मैं आपको बताता हूँ। वो मेरी मदर, मेरे फादर जो एक शॉप रन करते थे कुल्लू में और एक वेल नोन फैमिली से थे हम कुल्लू में, तो हर तरीके से मेरे फादर की दुकान के ऊपर मैंने काफ़ी कर्जा चढ़ा दिया था क्योंकि मैं फादर दुकान में पार्टनर था और चोरी करना सीख गया था, गले से पैसे चुराता था, दिन की जितनी सेल होती थी उसका मैक्सिमम पार्ट में लेकर के भाग जाता था और दुकान का माल मैंने बेचना शुरू कर दिया था बहुत ही सस्ते रेट्स पे, या मैं लोगों को ऐसे ही दे देता था कि बाद में पैसे ले लूँ। अपने घर का मैं पक्का चोर बन चुका था और डाउनफॉल जो हमारी शॉप का था वो काफ़ी बुरी तरह से आया था। मदर इमोशनली वो एक सोशल स्टिग्मा रहता है हमेशा कि लड़का बिगड़ गया, तो उनका तो यही था कि दोस्तों ने बिगाड़ दिया, मेरा लड़का तो अच्छा है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान रही मेरे साथ। मेरे भाई का शायद सबसे ज़्यादा इसमें वो रहा कि जो जिस स्टेज में जब मैं ड्रग्स में पड़ चुका था तो उसका पूरा फोकस मेरे ऊपर रहता था, अदरवाइज़ उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट था, लेकिन मेरे कारण जो है उनका फ्यूचर शायद उतना अच्छा नहीं हुआ। पेरेंट्स के साथ कोई ख़ास इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जिसका आपको बहुत अफसोस होता है? कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं, इनकी लाइफ तो रोज़ ऐसी हो चुकी थी कि रोज़ ही ये दुखी और वो होते थे। तो इनका अपमान किया कभी? अपमान तो इनका मान तो मैंने कभी रखा ही नहीं जी, हमेशा अपमान ही किया लाइफ में। तो जब भी इन्होंने कोशिश की तो मैं हमेशा यही बोलता था कि आप लोग गलत हो, मैं सही हूँ। कई बार गाली गलौज की, कई बार, एक बार जो मेरा पैडलर था उसमें मेरे फादर ने शिकायत कर दी थी पुलिस स्टेशन में, तो उस पैडलर ने मेरे को इतना मजबूर कर दिया था अपने, बोलता अपने तू फादर को जा कर के बोल कि उनको शिकायत वापस लेनी पड़ेगी और मैं गलत आदमी नहीं हूँ।
और उस दिन मैं जा कर के दुकान में बहुत लड़ा था सरेआम अपने फादर से जा कर के कि आपने क्यों, जब वो सही आदमी है वहाँ पे और मैं उसकी साइड ले रहा था कि वो तो एकदम बिल्कुल एकदम सही बंदा और आपने उसकी जा कर के झूठी शिकायत कर दी है। और बिल्कुल दुकान में और लोग खड़े थे, छोटी सोसाइटी थी, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे और मैं तब भी, क्योंकि उस टाइम मेरे को उस पेडलर ने सामान देना बंद कर दिया था, मेरा ड्रग देना बंद कर दिया था और मेरे को उस टाइम बहुत ज़रूरत थी उसकी। और मैंने उस टाइम जो अपने घर में जा कर के तमाशा किया था वो तो बयान नहीं कर सकते। और घर में जेवर भी चुराए, पैसे भी चुराए, अपनी शादी का जो मेरी अंगूठी थी वो बेच दी थी, बाकी सामान तो बहुत चोरी किया। सबसे ज़्यादा जो चोरी मैंने शुरू की थी वो हुआ था जो मेन होल के गटर के ढक्कन जब हमने पहली बार उठाए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे रेट पे बिकते थे तो वो हमको उस टाइम पता चला। और जो बिजली की तारें होती थी, जो टेलीफोन लाइन की तारें, वो बहुत काट करके उसका कॉपर बहुत एक्सपेंसिव बिकता था। चलिए मैं आपको कुछ सुनवाती हूँ। पंकी मेरा छोटा बेटा, ये बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी और दूसरों के दिल की बात समझने वाला था, हर किसी की सहायता करने को हर टाइम तैयार रहता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया जिसमें मेरा बच्चा बिल्कुल भटक गया, ये नशे की लाइन में चल पड़ा। हमें पता ही नहीं चला कि कब ये कैसे और क्यों हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब फिर से मेरा बेटा वैसा ही हो गया, बल्कि पहले से बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बच्चा हो गया। और समाज के लिए ये और ऐसे भटके हुए बच्चों के लिए ये प्रेरणादायक बच्चा बन गया है। मुझे इस बात की बहुत ही शांति और बड़ी खुशी है। मेरा छोटा बेटा जो कि रास्ते से भटक गया था किसी कारण की वजह से, गर्ल्स सोसाइटी में पड़ गया था, उसके बाद उसने अपने मन पर कंट्रोल करके ये सब नशा जो है छोड़ दिया था। तो वो एक हमारे समाज के, उसने अपने से भी एक लड़ाई लड़ी है और समाज के साथ भी एक लड़ाई लड़ी है उसने, और ये इसके ऊपर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। पंकी के लिए मेरे का यही मैसेज है कि जैसे इसने कुल्लू घाटी में एक नाम कमाया है, ये घाटी जो कि अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही फेमस भी है लेकिन चरस के कारण और बाकी ड्रग्स के कारण बहुत बदनाम भी है, पंकी ने यहाँ के युवाओं को एक नया सवेरा दिखाया। ना ही ये इसने अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनल लड़ाई जीती, बल्कि इसने कई लोगों के लिए जो है, यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए जो है लड़ाई की, यहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर की स्थापना की अपने दोस्तों के साथ, और जो है इस पूरी वैली के लिए एक प्रेरणा सूत्र जो है ये बन गया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरा छोटा भाई आज की डेट में एक सफल माउंटेनियर ही नहीं बल्कि, और एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग जो है उभर के आया है। सबसे पहले जब मेरे ख्याल से मेरे भाई ने उसको फर्स्ट टाइम यूजिंग करते हुए देखा था तो उनकी कैसेट्स की बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन होती थी, वो इंग्लिश म्यूज़िक बहुत सुनते थे तो वो सारी मैंने रख ली थी अपने पास बाद में, और उन्हीं कैसेट्स के अंदर मैं अपना ब्राउन शुगर जो है वो छुपा करके रखता था। तो उस टाइम जब फर्स्ट टाइम शायद उन्होंने देखा था तो उनको भी नहीं समझ आया था कि मैं वो चमकीले कागज़ के ऊपर क्या ले करके बैठ करके पी रहा हूँ। आपका सबसे बड़ा रिग्रेट अपने एडिक्शन का क्या है? एक एडिक्ट का तो रोज़ ही रिग्रेट डे होता है अगर वो जो भी करता है, लेकिन एक इंसिडेंट जो मेरे को हमेशा याद आता है वो मेरा अपने दोस्तों को लेकर के था, जब हम सारी अपनी यूजिंग में थे और बिल्कुल अपने हीरोइन यूज़ कर रहे थे हम सारे, तो मेरे 6-7 दोस्त थे जो एक सफ़र के ऊपर निकले, हम एक गाड़ी में बैठे हुए थे और मैं उस गाड़ी से, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं करीब 100-150 मीटर पहले उस गाड़ी से उतर गया। मैंने बोला मेरे को आगे नहीं जाना इस गाड़ी में तुम्हारे साथ, मेरे को कुछ काम, सब नशा किए हुए थे। और वो 150-200 मीटर जाने के बाद वो गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई और वो सारे के सारे उसमें लोग मर गए जितने मेरे दोस्त थे। तो उस टाइम हमारी सोशल और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी इतनी ज़्यादा थी कि वो जब ये पता चला उस टाइम कि वो गाड़ी गिर गई, वो लोग मर गए,
तो उस टाइम दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था यार कि उसकी जेब में तो इतना माल पड़ा हुआ है और वो निकाल लेते हैं। तो इससे पहले पुलिस पहुंचती, लोग पहुंचते, हम माउंटेनियर्स तो थे ही थे, वो करीब 300 फुट नीचे खाई में उतरे हम और उनकी जेबों से सारा का सारा माल निकाल लिया हमने अपने पीने के लिए। तो इतने ज़्यादा गिर चुके थे हम उस टाइम कि लाशों के बीच से हम माल निकाल करके अपने लिए छुपा करके ले करके जा रहे थे उस टाइम। तो ये एक मेरे को इंसिडेंट बहुत कई बार याद आता है। और एक था जब मैं यूजिंग में अपने बेटे को यूज़ करने लग पड़ा था, तो जो बिल्कुल एक महीने का था, एक बार मैंने उसको एक मंजिल ऊपर उछाल दिया था अपने पैडलर के पास, क्योंकि मेरे को माल लेना था और पीछे से चढ़ना पड़ता था उसके, अपने ड्रग्स लेने के लिए उसके। तो मैं लगा इसको अब मैं ज़मीन पे तो रख नहीं सकता, मैं लगा इसको ऊपर फेंकूँ तो पकड़ लेगा, तो बोलता मैं पकड़ लूँगा और उसको मैंने ऊपर उछाल दिया और उसने, भगवान की ऐसी कृपा थी कि उसने पकड़ लिया उसको। वो टाइम मेरे को अभी भी याद आता है कि मेरा बेटा मेरी गोद में बिठाया था और मैं ऊपर से जो है स्मैक पी रहा था। और उस दिन मेरी आंखों में आंसू भी थे, मैं पी भी रहा था और रो भी रहा था। मैं बोल रहा था भगवान या छुड़ा दे या उठा दे, इस चीज़ से बाहर निकाल दे, क्योंकि वो एक मेरे लिए इंसिडेंट बहुत ही बुरा था जो लाइफ में था। नशा एक ऐसा जाल है जिसमें कोई कब, क्यों और कैसे फंस जाता है वो खुद समझ नहीं पाता। हाँ, शुरुआत होने के पीछे कुछ खास वजहें, आदतें और लक्षण आम तौर पर एक से पाए जाते हैं। आपकी नशे की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई? इट्स अ डिजीज बेसिकली, ये एक बीमारी है। जैसे बीमारी हो जाती, कैंसर की बीमारी हो जाती, एड्स की बीमारी हो जाती, शुगर की बीमारी होती, वैसे एडिक्शन भी एक बीमारी है। और लोगों का सबका अपना एक मिथ लोगों ने बना रखा है इस चीज़ के लिए। लोग सोचते हैं कि इसके पास विल पावर नहीं है, ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। लोग अपने से तुलना करते हुए एक एडिक्ट के साथ तुलना करते हैं कि अगर हम रोक सकते हैं, अगर हम सोशल ड्रिंकर बन सकते हैं, तो ये दो ड्रिंक्स पे क्यों नहीं रुक सकता है। अगर हम सिर्फ वंस इन अ ब्लू मून कोई नशा करते तो ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हर आदमी को मिठाई खाने से शुगर की बीमारी तो नहीं होती। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। जब मैंने शुरू किया था, मेरे बीच में शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। बचपन में क्लास में कोई भी कुछ करता था तो पनिशमेंट पंकी सूद को ही मिलनी होती थी, ये डिफाइंड होता था। तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। पता था यार कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है नहीं, बैक बेंचर्स हैं, वो 30-40% वाले बच्चे हैं, तो ना ही कोई टीचर्स ऐसा कुछ प्रमोट करते थे, बगअप करते थे। तो कहीं ना कहीं एक जब सिगरेट का नशा उठाया तो वही कुछ अलग दिखने के लिए, कुछ अलग एक अटेंशन सीकर बनने के लिए वो चीज़ें शुरू की। और जो ऐसा ऐसा फिर स्लोली ग्रेजुएट करते गए, सिगरेट ने तो सारे रास्ते खोल दिए फिर आगे के, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर चरस आई, चरस के बाद फिर और ड्रग्स आए, सिंथेटिक ड्रग्स आए, दवाइयाँ आई। वो नशे की कोई लिमिट नहीं है, ना ही कोई ऐसा नाम है। बट हाँ, फिर फाइनली वही होता है कि फाइनेंशली, स्पिरिचुअली और इमोशनली सब कुछ ख़त्म होता चलता है इसमें। तो शुरुआत जो आप कह रहे हैं पहली सिगरेट उठाई, वो क्या उम्र थी आपकी? उस टाइम में शायद 8th में था, तो 8th 9th 13-14 साल की उम्र में। पर वो पी और छुप करके फिर वही है 10 सेंटर फ्रेश खा करके घर को जाना और ये सारी चीज़ें होती थी। और उस टाइम तो बहुत ही डर लगता था, खैर हर चीज़ से पकड़े ना जाएं। हाँ, पकड़े ना जाएं। पर हाँ, उस टाइम वो चीज़ जो है टेस्ट कर चुके थे और उसका स्वाद लग चुका था। वो फिर मज़ा ढूंढने के चक्कर में, जो पहली सिगरेट का मज़ा था, वो ही मज़ा ढूंढने के चक्कर में, और खुशी और मज़ा ढूंढने के चक्कर में ग्रेजुएट करते चले गए नशे की लाइफ में। सिगरेट के बाद चरस शुरू की, जिसको जॉइंट बोलते हैं, कूल बोलते हैं आज की डेट में। कूल? हाँ, आज की डेट में तो सारे, क्योंकि हम टूरिज्म इंडस्ट्री में है तो ड्रग टूरिज्म इज़ अ बिग थिंग नाउडेज। वही है कि जो बंदा जॉइंट जिसने पिया नहीं है उसको कूल माना नहीं जाता है आज की डेट में। और फिर उसके बाद फिर स्लोली ग्रेजुएट किया, सिंथेटिक पे आए, थोड़ा दवाइयों वाले उसमें गए, कोरेक्स, फेंसी, टेग्रिकोटॉल एक दवाई आती है। फिर
पार्टीज़ में जाना शुरू किया तो वहाँ पे LSDs और ये सारे सिंथेटिक जितना भी था, मैजिक मशरूम जो साइकेडेलिक ड्रग्स थी, उसको लेकर के एक बड़ा अट्रैक्शन रहा काफ़ी. रेप पार्टीज़ होती है, लाउड म्यूज़िक बजता है, तो ये टोटली एक साइकेडेलिक नशे है जो आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जा सकते हैं. ये कैसी आपको दुनिया में मैं ले जाता हूँ, जहाँ पे आपको सब कुछ रंगीन दिखता है, सब कुछ उड़ता हुआ दिखता है, सब कुछ पिंक स्टेज जिसको बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल एंड नाइस. लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर आते हो और असलियत में दुनिया को देखते तो वो तो बहुत डरावनी लगती है. फिर वापस उसी दुनिया में हम जाने की कोशिश करते और उसी तो दैट इज़ वेयर एडिक्शन कम्स इन. आपने शराब का नशा नहीं? शराब की आप बात मत करो तो ही अच्छा है, क्योंकि शराब को मैंने कभी नशे के तौर पे पहले कभी समझा ही नहीं. मैं तो समझता था कि वो एक सोशल चीज़ है, जो एक सोशल ड्रिंकर होता है कि बैठे पार्टी में पिया. तो जब मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैंने हीरोइन ये अपना ब्राउन शुगर शुरू किया था, जिसको ब्राउन शुगर बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं, तो हमने सैटरडे नाइट से शुरू किया था कि सिर्फ सैटरडे को पिएंगे. पर वो सैटरडे नाइट से कब फ्राइडे नाइट बन गया, कब थर्सडे, कब वेनसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, 7 days a week का जब वो एक पूरा हमारा एक वो बन चुका था प्रोग्राम. और फर्स्ट टाइम जब मेरे को वो नशा मिला नहीं अपना, तो फिर वो जब हलचल होने लगी शरीर में, थोड़ा दर्द होने लगा, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करने लगा, और बाज़ार में निकला मैं, चप्पलों में ही निकला, बिल्कुल बिस्तरे से एकदम है ना, बड़ा बेचैन था मैं, यार कुछ तो गड़बड़ है आज. पर मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि वो मेरे को स्मैक की टूटन है या मेरे ब्राउन शुगर की वो है. आई वॉज़ ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, मेरे को खालीपन एक महसूस हो रहा था. तो जब मैं बाज़ार में निकला तो पता चला जो हमारा पैडलर है वो तो दिल्ली गया हुआ है. तो फिर उस दिन मैं शाम को पहली बार बैठा वहाँ पे कुल्लू में ही, और मैंने एक शराब की बोतल खरीदी, क्योंकि किसी ने बताया था कि शराब पी करके सिकनेस दूर हो जाती है. पर वो जिस जो मैंने एक दिन वो शराब पी, मैंने पूरी बोतल वो अकेले बैठ करके पी, और मेरे को अभी तक वो दिन याद है अपनी लाइफ का सबसे मेरा ख़तरनाक दिन था वो. और शराब इतनी ज़्यादा पी ली थी कि पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था. तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को स्कूटर के ऊपर बिठा करके मेरे घर के गेट के बाहर मेरे को छोड़ दिया था. उस दिन मेरी भाभी ने जो मेरे को सहारा दिया था, आई कॉन्ट फॉरगेट दैट डे. और शराब फिर मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता कि शराब को कंटिन्यू करते हैं, ये उतनी ख़तरनाक नहीं है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे को ये भी समझ आ गया कि मेरे लिए कोई भी नशा नहीं बना हुआ है, चाहे वो शराब है, चाहे, क्योंकि जब मैंने शराब पीना शुरू किया तो मैंने इतनी ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया, मैं दिन को ही दुकान से भाग जाता था अपनी और शराब पी कर के आया. तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गया कि शराब इज़ ऑल्सो नॉट फॉर मी. तो दलदल में आप लगातार घसते चले जाते, इससे निकलने का बाहर कोई रास्ता था नहीं. नशे की लत में फंसे हर व्यक्ति को यही लगता है कि नशे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता होता है, बस उस पर चलने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, नशा करने वाले को भी और उसके परिवार को भी. पंकी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 17 साल का दलदल था, ये कितना गहरा था, कितना बुरा था आपके लिए? दलदल तो बुरा ही होता है. इसमें जो 17 साल जो ये थे मेरी लाइफ के, जो बड़े क्रूशियल ईयर्स होते किसी के भी कैरियर के, इसमें मैंने हर चीज़ लूज़ ही की जब से मैंने ये शुरू किया था, चाहे वो फिज़िकली था, चाहे फाइनेंशली था, चाहे इमोशनली था, चाहे स्पिरिचुअली था. रिश्ते ख़त्म किया, पैसा ख़त्म किया, कैरियर ख़त्म किया, और एंड में सब कुछ लूज़ करके मैं खड़ा था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था. कितने कितने घंटे, जो हम लोग कहते हैं कि एक एडिक्ट का ब्लैकआउट होता है, कितने कितने घंटे आप बिता देते थे, या कितने घंटे अगर मैं कहूँ आप नशा किया करते थे? घंटों में कहाँ, ये तो दिनों के ब्लैकआउट्स होते थे. तो कई बार तो ऐसा हुआ कि पिछले 4 दिन का कुछ नहीं याद है, 5 दिन का कुछ याद नहीं है. एक मेरे को याद है कि हमारे एग्ज़ाम्स थे या कुछ थे, उस टाइम हम चंडीगढ़ में पढ़ते थे, 21 तारीख का वो पेपर था और हम उस टाइम ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे, तो वो 24-25 तारीख हो गई और अभी तक मैं सोच रहा था कि 21 ही तारीख चली हुई है. तो फिर वो मेरे दोस्तों ने बताया, यार वो तो पेपर तो 5 दिन हो गए भाई उसको दिए हुए, अभी तक आप कहाँ पे सोए हो. तो मींस वो ऐसा नहीं था कि ब्लैकआउट पे एकदम
पड़े हुए और धुत पड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं होता था। लाइफ जी रहे थे लेकिन वो सब वॉश आउट होता हुआ, पीछे का इरेज होता जाता था सब कुछ। हाँ, एक एडिक्ट जो भी है वो बाथरूम इज़ द मेन सीक्रेट प्लेस फॉर एनी ड्रग एडिक्ट। तो मैं तो वॉशरूम में ही बहुत ज़्यादा अपना टाइम बिताता था, और मेरी वाइफ को भी नहीं समझ आता था जब उसने मेरे को अर्ली यूजिंग में देखा था कि यार तू बाथरूम के अंदर क्या करता रहता है। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो शादी कैसे हो गई आपकी? जब शादी का टाइम था तो उस टाइम 2-2.5 महीने का एक ऐसा टाइम था बीच में जब मैं छोड़ पकड़ में चल रहा था, अपने आप से ठीक होने की कोशिश कर रहा था, अपने आप वो पेन से रहा था, सब कुछ कर रहा था, घर वालों के साथ सबके साथ नॉर्मली बिहेव करता था लेकिन अपने आप बहुत अंदर पेन में था। उस टाइम घर वालों को लगा होगा कि चलो अब शादी का टाइम है, बड़े भी हो गए, सारे करते हैं तो ये भी क्या होता करके छोड़ दे, और शादी करके जिम्मेवारी पड़ेगी तो फिर थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर, और फिर शादी हो गई। और आपकी वाइफ को नहीं पता था कि आप नशा करते हैं? मेरी वाइफ को क्या, मेरे को खुद ही नहीं पता था मैं एक एडिक्ट हूँ, क्योंकि कभी वो एक्सेप्टेंस लेवल ही नहीं था, हमेशा लगता था कि कंट्रोल में पी रहे। वो एडिक्ट्स की तो परिभाषा हमारे दिमाग में वो थी कि जो रोड साइड एकदम गटर के किनारे पड़े होते और जो सिरिंज लगा रहे होते वो एडिक्ट्स होते। हम थोड़ी ना एडिक्ट है, हम तो घर में रह रहे हैं, अभी सब कुछ कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम तो एडिक्ट है ही नहीं। और उसको पता चला जब 8वें महीने में वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको शॉक लगा था जब बिल्कुल विद प्रूफ्स और मेरे ड्रग्स के साथ मेरे को बिल्कुल पकड़ा गया, तो फिर उसको एक शॉक लगा था कि दैट मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ, और वो बिल्कुल एक ट्रॉमा में चले गई थी। लेकिन फिर बात वही है कि मैनिपुलेशन, मैंने उसको फिर मैनिपुलेट कर लिया था बहुत अच्छे से कि मैं छोड़ दूंगा, कि मैं तो हुई नहीं यूज़र ही नहीं हूँ, छोड़ने की तो बात दूर की है, एक्सेप्ट तो कभी किया ही नहीं दैट आई एम अ ड्रग एडिक्ट। मैंने तो उसको यही समझाया हमेशा कि ऐसी बकवास करती है दुनिया, सब जलते हैं। अच्छा, कभी वो वाली हालत आपने नहीं देखी कि जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पैसों की तंगी हो जाए, सड़क पर आ जाए, भीख मांगने की स्थिति हो जाए? बहुत पैसे वालों की भी हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं। बिल्कुल देखी, वैसी स्थिति भी देखी। इनफैक्ट मैंने दिल्ली में रैग पिकिंग की एक बार जा कर के, वहाँ पे निज़ामुद्दीन के एरिया में, वहाँ पे हमने कूड़ा उठाया, वहाँ पे जाकर के जो बॉटल्स थी रैग से वो बेची। इनफैक्ट एक बार चेन स्नैचिंग गैंग ने मेरे को ऑफ़र किया, और एक बार गए भी हम उसके लिए। एक बार मेरे को वहाँ के जो दिल्ली के बिल्कुल होते हैं जो ब्लेड बाज होते हैं, वो 100-100 रुपए के लिए ब्लेड मारते हैं दूसरे लोगों के मुँह पर जा कर के, उनके साथ बैठ करके टाइम व्यतीत किया। तो उनके साथ नशा किया बैठकर? उनके साथ बैठ करके नशा किया बिल्कुल, और उन्हीं के साथ ग्रेवयार्ड्स में बैठ करके, जो निज़ामुद्दीन के ग्रेवयार्ड्स थे, जो वहाँ का वो था, ग्रेवयार्ड्स के नीचे अड्डे बनाए हुए थे लोगों ने, ऊपर कबर होती थी, नीचे पूरा खोद के रखा था यूजिंग के लिए। तो वहीं पर एक तरफ शिट पड़ी हुई है, एक तरफ स्मेल पड़ी हुई है, पूरा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो यूजिंग एरियाज होते थे और वहीं पर बैठ करके अपना ड्रग का नशा करते थे। कौन सा नशा? क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं ना, पैसे वाले हैं वो ये नशा कर सकते हैं, जो गरीब आदमी हैं वो ये, थोड़ा हमें बताइए किस किस तरह के नशे किस किस तरह के लोग करते हैं। जो सबसे कॉमन ड्रग की अगर आप बात कर लो आप इंडिया में, तो दैट इज़ जॉइंट, चरस, जिसको लोग शिव जी की बूटी भी बोलते हैं, भोलेनाथ का प्रसाद भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जिसको बोला जाता है, वो सबसे सस्ता भी है, ईजिली अवेलेबल भी है। बात करें अगर आप रियल ड्रग्स की परिभाषा में आओ, तो उसमें फिर जो आपकी फिजिकल डिपेंडेंसी जिसके ऊपर हो जाती है, दैट इज़ हीरोइन, दैट इज़ कोकीन एंड अदर ड्रग्स। तो फिर जैसे आजकल चिट्टा आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें इंजेक्ट करके लेते हैं सारे के सारे, तो ये सारे फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं हम इन नशों के ऊपर। और जब फिजिकली एक बार डिपेंडेंट हो जाए तो फिर कोई चॉइस नहीं रहती, क्योंकि वो चॉइस से ज़्यादा अब हमारी ज़रूरत बन जाता है, वो शौक नहीं रह जाता है यूज़ करने का, वो ज़रूरत बन जाता है। वो अपने सिम्टम्स कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? सिम्टम्स जो एक यूज़र के सिम्टम्स होते हैं, कि जब एक तो एटीट्यूड बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, चिड़चिड़ापन एकदम से आ जाता है, गुस्सा आने लगता है, शिवरिंग होने लगती है शरीर में बहुत ज़्यादा, कोल्ड टर्की स्टेज बोलते हैं उसको, कि जब आपका नाक भी चलना शुरू हो जाता है,
आपका पेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, ठंड है तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, पूरा बॉडी का साइकिल चेंज हो जाता है। आखिर में आपकी पत्नी को फिर कैसे पता चला था वो इंसिडेंट, अगर आप शेयर करें? वो मेरा एक कज़न है कुल्लू में ही, वो काफ़ी टाइम से, वो क्योंकि एक कज़न जो हम उम्र होते हैं उनको हमेशा ध्यान रहता है कि यार अब इसने दोस्ती छोड़ दी है, बिल्कुल ये लाइफ में चेंज हो गया है, इस जो इसके अच्छे दोस्त थे उनके साथ उठता बैठता नहीं है। और वही बाथरूम वाली बात थी, तो वॉशरूम में मैं बैठा हुआ था पीने के लिए और वो एकदम से वहाँ पे इंटर किया था, और उस दिन उसने जा कर के मेरी फैमिली को बता दिया कि ये चीज़ यूज़ कर रहा है। और फिर उसने मेरी अलमारियाँ वगैरह सब कुछ ढूंढना शुरू किया, तो मैंने बहुत सारी चरस छुपा के रखी थी वहाँ पे, वो इतनी चरस थी कि अगर मैं उसके साथ पकड़ा जाता तो शायद कभी उम्र में बाहर नहीं आता अपनी जेल से। तो जब वो लेकर के आई उसने कभी देखी भी नहीं थी ये चीज़, तो बोलती ये क्या मेला, ये तो धूप की बतियाँ हैं, ये तो ऊपर लेके जानी है मेरे को, बिजली मार दे वहाँ पे प्रसाद देना है। तो फिर वो मेरे फादर के पास लेके गई थी वो सारी की सारी, तो वो भी हैरान हो गए थे देख करके कि ये कहाँ से इतना रखा हुआ है। फिर उसके बाद उसका चेक, उस टाइम सीसीटीवी कैमरा तो नहीं थे लेकिन मेरी फैमिली पूरी सीसीटीवी कैमरा और मेरे फ्रेंड्स एक एक मिनट की लाइव रिपोर्टिंग होने लग पड़ी घर में कि थिंग्स आर गेटिंग बैड। कभी आपकी वाइफ ने आपको छोड़ के जाने की बात नहीं कही? थैंकफुली उसने छोड़ के जाने की बात तो नहीं की मेरे साथ कभी भी, लेकिन शी हैड बीन ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग बिहाइंड मी। और एक बार जब फाइनली जब मैं अपने बेटे को यूज़ कर रहा था ड्रग्स के लिए, मैं उसका बहाना बना करके उसको बाहर लेकर के जाता था, और वो बहुत 12 फरवरी का दिन था, बहुत ठंड पड़ी थी उस दिन, शायद स्नोफॉल भी हुआ था, तो मैं अपने बेटे को ऐसे ही एक महीने का था उसको ऐसे ही बाहर लेकर के आया और गेट के पास छोड़ के भाग गया मैं अपने यूज़ करने के लिए। उस दिन फिर घर में बहुत उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा वॉशरूम का, मेरे को बाहर निकाला और घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, खूनों खून हुआ, मैं सिर से खून निकल रहा था, गर्दन से खून निकल रहा था, शीशे तोड़ दिए थे। तब मेरी वाइफ ने आकर के मेरे को एक थप्पड़ मारा था जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। और उस दिन के बाद फिर मेरे को रिहैब ले गए थे वो लोग उठा गए। वाइफ ने बहुत साथ दिया आपका, सोनू ने, कई बार ये उनके पास ये ऑप्शन रहा होगा कि छोड़ के चली जाए आपको? हाँ, ऐसे तो हर वाइफ के पास ऑप्शन होता है जो ऐसे आदमी के साथ डील कर रही है कि वो छोड़ के चले जाए, बट सोनू जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ शी स्टूड लाइक एंकर विद मी। लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के केसेस देखे जिनकी वाइफ्स उनको छोड़ के चले गए, पर मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि और आज जो कुछ भी हूँ मैं इज जस्ट बिकॉज ऑफ हर। चलिए आप रिकवरी में आने की मैं आपसे बात करती हूँ, वो बेचैनी कब शुरू होती है कि ये छोड़ना है बस छूट नहीं रही है, या ये जो अवेयरनेस कि हाँ मैं एडिक्शन में फंस गया हूँ मुझे इससे निकलना है, वो हुआ आपके साथ? बिल्कुल, जब भी आप पेन में होते हो, वो जब बंदा सिकनेस में होता है या टूटन में होता है उस टाइम तो इतनी तकलीफ होती है इस चीज़ में कि उसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। और उस टाइम हमेशा ये प्रेयर करता था कि यार भगवान इस चीज़ से निकाल दे अब बार। लेकिन वो रिकवरी अपने आप से जब भी कोशिश की मैंने, मैं कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं उस चीज़ में। रिकवरी की अगर बात करो तो वो पहला मैसेज मेरे को जब घर वाले मेरे उठा करके लेके गए, क्योंकि अपनी विल से तो मैं जाने वाला नहीं था कहीं पे भी रिहैब में स्पेशली, तो मेरे को रिहैब ले गए थे उठा करके। मेरा एक फ्रेंड था जो सबसे पहले ठीक हुआ था और उसकी यूजिंग मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, और मेरे को रिहैब उठा करके लेके गए थे, गाड़ी की डिक्की में डाल करके लेके गए थे डिक्की में। तो और जब मैं रिहैब पहुँचा था तो उस दिन खूनों खून था, सिर से खून निकल रहा था, गर्दन से खून निकल रहा था, बहुत ही बुरी हालत में था। लेकिन मैं फिर भी बोलते हुए यही जा रहा था कि मैं एक एडिक्ट नहीं हूँ और आप लोग पागल हो गए हो, और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस चीज़ को। फिर रिहैब में वो 6 महीने बिताए, उसके बाद फिर वहीं पे हमने अपना
6 महीने का और वॉलंटियर प्रोग्राम किया जिससे मेरी रिकवरी स्ट्रॉन्ग हुई। वो वॉलंटियर प्रोग्राम जो किया 6 महीने का और वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम था, जिसमें मीटिंग्स में गए हम, NA की मीटिंग्स होती है दिल्ली में बहुत स्ट्रॉन्ग, वो मीटिंग्स की लगातार और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए एक एक दिन करते हुए। तो आज भी मेरे को एक ही बात समझ आई पूरे उसमें, वन डे एट अ टाइम, कि सिर्फ आज के दिन नशा मत करो, बाकी देखी जाएगी। आपको एक मैसेज सुनवा दे। हाय पंकी, मेरे को देख के तू सरप्राइज तो फील कर रहा होगा, बट आज तेरे को एक बड़ी पुरानी बात याद दिलाता हूँ। तेरी शेयरिंग में तूने एक बार शेयर किया था कि जब तू पहाड़ की चोटी देखता था और कहता था उस चोटी पे चढ़ के जाके नशा करना है, तो तू इतना एक्सट्रीम में जाके और अपने गोल को अचीव करता था। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आज तू, तेरा एक पूरा पर्सनालिटी चेंज जो हुआ है टुवर्ड्स योर लाइफ, आज तू सोशली कितने लोगों को इमोशनली फाइनेंशली स्पिरिचुअली सपोर्ट कर रहा है, और इस कॉज के लिए अपने एक्सपीरियंस को कैरी द मैसेज टू दैट इट हू स्टिल सफर्स। रियली आई अप्रिशिएट पंकी, कीप इट अप योर गुड वर्क। थैंक यू पंकी, यू आर राइट चॉइस बेबी। कौन है ये? यही तो है हमारे भाग्य विधाता। तो अरविंद जी का तो बहुत ही मेजर रोल रहा हुआ है रिकवरी में, और अब आप बहुत सारे दूसरे एडिक्ट्स की हेल्प कर रहे हैं रिकवर करने के लिए, वो उसके बारे में बताइए। जैसे अरविंद जी ने बोला कैरी द मैसेज टू द एडिक्ट हु इज सफरिंग, तो मेरे को लगता है हर एडिक्ट में, जैसे मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू गिव बैक व्हाट आई हैव गॉट। अगर मैं अपने पास ही रखूँगा उसको तो उस रिकवरी का कोई मतलब नहीं रह गया, और एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और मेरे को अपने आप बहुत अच्छा लगता है कि एक प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में कहीं तो बाहर आए, क्योंकि हम तो बिल्कुल यूजलेस मेंबर्स थे सोसाइटी के, जो किसी भी काम के नहीं थे। क्योंकि एक एडिक्ट को कभी भी वो इज्जत नहीं मिलती या उसको वो प्यार नहीं मिलता है, जो वो लव केयर कंसर्न जो बोलते हैं, जो अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ से बाहर निकला हूँ, वो पेन से जिससे मैं बाहर निकला हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो सफरिंग एडिक्ट्स हैं वो भी इससे बाहर निकले। तो क्या क्या करते हैं आप उसके लिए? अपनी लाइफ शेयर करते हैं कि हमने तो ये खोया है, दिस इज़ व्हाट, एंड मैं हमेशा उनके साथ, बच्चों के साथ ये शेयर करता हूँ कि ये आप लूज़ करोगे, देर इज़ नो विनिंग इन दिस, आप कोई भी चीज़ एक अचीव नहीं कर सकते नशा करके, और हमने तो ये खोया हुआ है। तो आप सुन के सीख लो या करके सीखना है तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने सुन के सीखना है और देख के सीखना है तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वो अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस। इंडिया में इसको आप स्टिग्मा बोल लो, कुछ भी बोल लो, सोशल स्टिग्मा, कि लोग इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहते। पंकी, हमारे समाज में गलत फहमी होती है कि नशा सिर्फ आदमी करते हैं, औरतें लड़कियाँ नहीं करती, आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? अगर ये गलत फहमी है तो ये 100% गलत फहमी है कि सिर्फ आदमी नशा करते हैं। आज की डेट में आप देखो तो 100 से ज़्यादा केस स्टडीज़ तो हमारे पास ही होगी जिसमें लड़कियां, यंग लड़कियां, स्कूल गोइंग लड़कियां नशे की चपेट में हैं, और लड़कियों का नशा करना बहुत ख़तरनाक होता है, बिकॉज दे हैव सो मच टू लूज़ इन देयर लाइफ। प्लस लड़कियों का बेसिकली, जो अभी हमने केस स्टडीज़ देखी थी उसमें बहुत सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन की तरफ गई। डेफिनेटली गर्ल्स आर 100% इनटू ड्रग्स, और ये नशा किसी का नहीं होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, नशा किसी को नहीं छोड़ता। और गर्ल्स के लिए तो ये और भी स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए कि दे शुड 100% कीप देम अवे फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि इंडिया में अभी तो बॉयज़ को लेकर के इतना टैबू है, गर्ल्स का अगर पता चल जाए फिर तो वो तो या तो जहर दे करके मार देंगे या फिर सुसाइड्स करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि गर्ल्स को तो मेरे ख्याल से फैमिलीज भी, क्योंकि हमारा भी सोसाइटी का इतना ओपन माइंडेस नहीं है कि लड़कियों को वो इस तरीके से झेल पाएंगे। और
गर्ल्स का एक रिहैब खुलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट खोले चाहे प्राइवेट खोले। चलिए तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत छोटी कम उम्र में बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, फैमिली को क्या क्या सिम्टम्स देखकर ये समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ चल रहा है हमारे बच्चे की लाइफ में? टेंथ से लेकर के जो कॉलेज गोइंग तक के बच्चे हैं उनके बीच में तो आपको एकदम से अगर वो कुछ भी गड़बड़ कर रहे होंगे तो एटीट्यूड बिहेवियर में उनका बहुत जल्दी चेंज नज़र आता है। वो ज़्यादा या तो बहुत प्रोएक्टिव हो जाएंगे या बहुत हाइपर हो जाएंगे, और अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फैमिली से कटना शुरू कर देते हैं। अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, बाथरूम एक घर में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, विच पेरेंट्स को ज़रूर चेक करना चाहिए बार बार जा कर के कि बाथरूम में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है कि जो उनको अनयूजुअल लग रही है, कोई माचिस की तिल्ली मिल रही है या डस्टबिन के अंदर कोई फॉइल पेपर्स मिल रहे हैं या कोई ऐसा दवाई का टैग मिल रहा है जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, या कोई भी अनयूजुअल थिंग दैट कैन बी अ बिग सिम्टम कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चली हुई है। और डेफिनेटली एटीट्यूड बिहेवियर चेंज होता है, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, आंखें लाल रहने लगती है तो, और ज़्यादा सोने लगता है वो आदमी, खाने पीने की चॉइस में चीज़ों में चेंज होने लगता है बच्चों के। ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं? वो कम खाने लगते हैं, प्लस दे प्रेफर ईटिंग स्वीट मोर क्योंकि मीठा हमेशा हाई देता है। तो जितने भी ड्रग एडिक्ट्स रहे वो जब भी नशा करते थे उसके बाद हमेशा मीठा ढूंढते हैं कि जा कर के। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हम अनदेखा कर देते हैं या पेरेंट्स समझना नहीं चाहते, या अगर समझते भी तो वो अवेयरनेस नहीं है कि क्या चीज़ यू नो क्यों ये चीज़ें हो रही है। तो उन चीज़ों के ऊपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में मोबाइल एक बहुत बड़ा हथियार बच्चों के हाथ में आ गया हुआ है। पहले तो फिज़िकली जा कर के हमको पेडलर को जा कर के ढूंढना पड़ता था, देखना पड़ता था, उसको ट्रेस करना पड़ता था। अब तो डिवाइस के साथ पेरेंट्स को भी उतना स्मार्ट होना पड़ेगा जितने उनके बच्चे स्मार्ट हैं, क्योंकि स्मार्टफोन आपके हाथ में है एंड उसके द्वारा मेरे को लगता है अब तो टोटली गेम चेंजर हो गया ये जो मोबाइल है। और ये ड्रग्स की दुनिया में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस टाइम, क्योंकि अब जो पेडलर्स हैं वो या तो फेसबुक के द्वारा मैसेजेस भेज रहे हैं या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेजेस भेज रहे हैं, लोकेशन अपनी भेजते हैं कि इस टाइम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से आज आप लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते। तो ये एक मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम हर स्कूल में पेरेंट्स के साथ हो कि जिनको बताया जाए कि मोबाइल जितना एजुकेटिव है ये उतना डेंजरस भी हो सकता है, और अगर आपका बच्चा गलती से भी ड्रग्स की दुनिया में है तो मोबाइल विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बाइंग सेलिंग ऑफ द ड्रग्स। पंकी एक बार बताइए मुझे, इतने करोड़ों लोग नशे के आदी हैं इस वक्त हमारे देश में और बहुत सारे लोग रिकवर भी कर रहे हैं, जो रिकवर करते हैं, जैसे मैं आपकी बात करूँ, तो वो लोग जो ड्रग के पेडलर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनको पकड़वाने में मदद क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोगों को तो सब अड्डे पता हैं, हर शहर का अड्डा आप लोगों को पता होता है, आप लोग मदद क्यों नहीं करते पुलिस की? क्योंकि पुलिस को तो अपने आप ही सब कुछ पता होता है जी, पुलिस से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो पुलिस से कुछ भी चीज़ नहीं छुपी, और लॉज की आप बात कर लो तो इंडियन लॉज इतने फ्लेक्सिबल है कि कहीं ना कहीं वो अंदर बाहर की प्रक्रिया लगी रहती है। जो पेडलर्स होते हैं उनको पता है एक बार अंदर गए फिर बेल हो जानी है, प्रूव होएगा नहीं, फिर बाहर आ जाते हैं, दूसरा केस बनता है फिर अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब करते हैं, जैसे हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो अभी हिमाचल में ड्रग फ्री हिमाचल करके एक ऐप लॉन्च हुई है, तो जितना ईजी ड्रग्स लेना हो गया है उतना इजी अब ड्रग पेडलर को पकड़वाना भी हो गया। आप सिर्फ लाइव लोकेशन भेजो, उसमें आपका शेयरिंग नहीं होगा कुछ भी कि कौन है, किसने लोकेशन शेयर की, और वहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जा कर के वो बिंक करेगी इस ऐप से और एकदम से पुलिस उस लोकेशन पे पहुँचेगी। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो अपना इनिशिएटिव डालें। और मैं तो कई बार अपने टाइम को लेकर के रोता हूँ यार, उस टाइम ऐसे ऑफिसर्स क्यों नहीं थे, क्योंकि पेडलर तो घर के सामने ही था, वहीं घूमता था निज़ामुद्दीन में जहाँ से मैं अपना कभी ड्रग्स लेकर के आता था, उसके तो सामने ही पुलिस स्टेशन था। तो मेरे को तो नहीं लगता कि पुलिस वालों को मालूम नहीं होगा कि वहाँ पे सामने ड्रग्स बिकता है, उनको सब कुछ मालूम होगा आई एम श्योर। लेकिन ऐसे पुलिस ऑफिसर्स चाहिए जो
इस चीज़ को पूरा इनिशिएटिव लेकर के अपने दिल से इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। यू रिग्रेट मिसिंग आउट द 17 ईयर्स ऑफ योर लाइफ टू ड्रग्स? आई डेफिनेटली रिग्रेट, क्योंकि उस टाइम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन चलो थैंकफुली अभी ये है कि आपके सामने बैठ के बात तो कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके तो फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ है आज की डेट में। और ड्रग एडिक्ट्स का तो ऐसा है कि लोग फ़ोटो भी नहीं लगाना पसंद करते, दीवार पे हार चढ़ना तो दूर। तो कहीं ना कहीं दुख तो ज़रूर है, पर यू नो द टाइम विच हैज़ गॉन, उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो आगे का टाइम है उसको बेटर ज़रूर कर सकते हैं। चलिए चलते चलते मैं चाहूँगी कि अगर कोई एडिक्ट आपको सुन रहा है या उसका कोई फैमिली जिसके यहाँ कोई एडिक्ट हो, उन सब लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एडिक्ट जो भी सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, मैं उसको बोलूँगा कि होप इज स्टिल अलाइव, अभी भी आशा है, और ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकते हैं, बस थोड़ी सी जो है विलिंगनेस की, ओपन माइंडनेस और ऑनेस्टी की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है तो रिहैब का सहारा लें, नहीं तो मीटिंग्स हर जगह होती है। इन मीटिंग्स का मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा कि नारकोटिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स होती है, अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग्स होती है, उन मीटिंग्स का रास्ता पकड़ो और रिकवरी 100% है, उसमें जाते रहो। और फैमिली जो सफ़र कर रही है, फैमिली का तो एक अपना रोल होता है, और विदाउट सपोर्ट आपके घर में अगर एडिक्ट है तो वो ठीक नहीं होगा। आपका रोल बहुत मेजर रोल है, एंड यू हैव टू गिव योर 100% टू हिम, चाहे वो सपोर्ट के तौर पे हो, चाहे वो उसको इमोशनल तौर पे आपने सपोर्ट करना है। और इलाज की ज़रूरत है तो इसे घबराना नहीं है, सोसाइटी का कोई ऐसा टैबू नहीं है ये, और लोग ठीक होते हैं, होप इज़ देयर, आप ज़रूर इलाज करवाएं उसका और बिल्कुल उसका साथ दें। जहाँ एक तरफ हमारे देश में करोड़ों लोग नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं या फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पनकी जैसे बहुत सारे लोग भी हैं जो उस दलदल से बाहर निकल कर आए हैं। आज हम ये दुआ करेंगे कि पनकी की कहानी सुनकर उन बहुत सारे लोगों को हिम्मत और प्रेरणा मिले जो उस दलदल से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता।